हर हर महादेव। पूर्ण आत्मा और प्यारे दोस्तों, अब ये जो हमारी बॉडी है, जैसे हम अपनी क्रियाओं में बता रहे हैं, इसका एक देखो बॉडी का ये ऑर्गन है माउथ। ये मुंह जो है, जिसको मुंह कहते हैं, माउथ है हमारा, ये कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है कि इसके थ्रू हम खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, जिससे हमारा कारण शरीर सारा ये बॉडी ये जिंदा रहती है। फिर ऑक्सीजन का भी इसमें रोल, फिर वाणी से बातचीत करते हैं, हमारा सारा कम्युनिकेशन सिस्टम इसके थ्रू होता है। अगर हम अपने मुंह को प्रभु की वाणी के साथ जोड़ें किसी तरीके से, वो कैसे होगा? अगर हम इसके थ्रू अपनी ब्रह्म वाणी से वाइब्रेशन क्रिया करें, वाइब्रेशन क्रिया करेंगे तो माउथ की जितनी बीमारियाँ हैं, दांतों की बीमारियाँ हैं, मसूड़ों की बीमारियाँ हैं, और हमारा बॉडी का जो माउथ का जितना भी तंत्र है, उसमें कोई भी बीमारी कैंसर से आएगी, कुछ भी आएगी, तो वो उसमें बड़ा फ़ायदा होगा और आदमी की वाणी थोड़ी शुद्ध होगी, हम अच्छे से सच्चे बनेंगे। अब इसके साथ हमें क्रियाएं करनी पड़ेंगी फिर, और क्रियाएं भी हम अपनी ब्रह्म वाणी से करेंगे, क्योंकि मेन इसमें मकसद क्या है कि हम अपनी सोल को जगाएं। हमारी सोल जब सोई रहती है तो हमारा काम ख़राब हो जाता है, तो हमें अपनी सोल की जो वाणी है, जो ब्रह्म वाणी है, उसी से क्रिया करेंगे। अब जैसे ये हमारा माउथ है, इसको साधक ने आराम से बैठना है, पीठ अपनी सीधी रखनी है और दोनों हाथ यहाँ पे रख लिए, दोनों यहाँ पे रखें, और अब उसका विराग करेंगे, कल्पना करेंगे कि प्रभु के साथ ये मिलेगा कैसे, ये हू का हुलारा वहाँ जाएगा। हम हम ये ब्रह्म वाणी की साउंड ही ऐसी है कि अंदर से माउथ को दिव कर देगी, जितना इसका नाड़ी तंत्र है उसको दिव कर देगी। फिर दूसरा तरीका है कि इस मुंह को ओ लंबा किया आपने, ओम हमारा वैसे ही पराशक्ति है, उसके साथ हम जुड़ गए। तीसरा इसको अंदर से किया मेंढक की तरह, इसमें जो जीपा है उसको ऊपर लगाना है, और उसके बाद फिर हमने शंख भी बजा सकते हैं। शंख भी बजा सकते हैं, फिर उसके बाद फिर माउथ के साथ ही आपने जिसको माफ़ करना है उसको स्पिरिचुअल किस भी भेज सकते हैं। तो इस तरह की वाइब्रेशन साउंड से जो माउथ की क्रिया इसको करते हैं, तो हमें हमारे माउथ के सिस्टम में बहुत फ़ायदा होता है, हमारी वाणी बहुत अच्छी होती है, और माउथ रिलेटेड जितनी बीमारियाँ हैं वो सब ठीक हो जाती हैं, क्योंकि उनकी अकड़न ख़त्म होती है। बेसिकली हमें अपनी बॉडी की अकड़न को ख़त्म करना है, उनको वाइब्रेशन मोड पे लाना है। तो ये क्रिया करेंगे, जिन साधक को कोई भी माउथ की प्रॉब्लम है वो ये क्रिया को ज़रूर करें। हर हर महादेव।